एवरीबॉडी, मैं हूं निशा पारिक एक बार फिर से आपके साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन मौजूद है, मिस्टर मोइन एजाज जी, जिनका अपना खुद का म्यूजिक एकेडमी है। तो ये इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं और एक स्किलफुल बिजनेस को ऑप्ट कर सकते हैं। सर वेलकम है सबसे पहले आपका। सर म्यूजिक एकेडमी मतलब एक काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि लाइक कितने टाइम से आप अपना एकेडमी रन कर रहे हैं और लाइक कैसे आप इसके अंदर आए, तो वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने यहाँ मुझे बुलाया और इस लाइक समझा कि मैं लोगों को कुछ बता पाऊँ। और क्योंकि म्यूजिक को लोग कभी कभी म्यूजिक को लोग बिजनेस नहीं समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि बिजनेस नहीं है, केवल हॉबी है या कुछ ऐसा पार्ट है जिससे हम केवल इंटरेस्ट के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने स्टिल जब स्टार्ट करने की सोचा था, तब मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने सोचा नहीं था स्टार्ट करने की एक्चुअली, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं बन सकता है। तो क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा म्यूजिकल बैकग्राउंड है, मेरा बहुत अच्छा म्यूजिकल बैकग्राउंड फैमिली से है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग के जो म्यूजिक का काम करते हैं। एटलीस्ट अगर मैं नंबर बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि लगभग 200 से भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स हमारे इसी काम में है। जो कि मतलब रिश्तेदार कह लो आप, लेकिन है कहीं ना कहीं कनेक्शन में हम सब लोग, तो इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है। उसके बावजूद भी मुझे लगता था कि ये म्यूजिक बिजनेस नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर यही सब बिजनेस हो सकता है। तो बस मैं ऐसे ही अपनी जो जहाँ म्यूजिक होता है जिस फैमिली में, उस फैमिली में मैं गया और जब मैंने वहाँ देखा सब कुछ तो मैं चौंक गया। मैंने बोला यार ये तो अलग दुनिया है, थोड़ा अलग ही कुछ, एक तरीके से रेवोल्यूशन मान सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया मेरा। मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो बिजनेस नहीं है, ये तो लाइफ अलग ही है बहुत। तो फिर मेरे को लगा एक बार कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीखना चालू करते हैं। तो मैंने जब आके घर पे बताया अपने फादर को कि मुझे ये सीखना है, तो सब यू नो कि उनको लगता था कि बिजनेस नहीं है, तो उनको फिर ऐसे ही लगा कि अरे यार ये कहाँ मतलब यू नो फंस जाएगा काइंड ऑफ, कि ठीक है कि पढ़ रहा है तो ये चल के आगे कुछ अच्छी जॉब करे, कुछ अच्छी नौकरी करे। तो फिर मैंने जब यहाँ बताया तो एकदम से एटमॉस्फेयर यहाँ का चेंज, एकदम लोग एकदम कि नहीं ये नहीं करना है, वो ऐसा वैसा सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने अपने हैंड पे लिया कि नहीं मुझे ये करना है। तो मैं सबको बहुत मुश्किल से मना के, हालांकि वो राजी अंदर से नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी कैसे कैसे करके उनको मना के, मेरे को जहाँ सीखना था वहाँ गया मैं और मैंने म्यूजिक सीखना चालू किया। वो पूरा बैकग्राउंड हमारा म्यूजिकल था, पूरी फैमिली म्यूजिकल थी। तो वहाँ पे मैं जाके जब सीखा करा और काफी चीजें, क्योंकि एक प्रेशर भी था कि यार करना है, बिकॉज क्योंकि सीन ऐसा था ना कि पापा वगैरह सब ये लोग राजी नहीं थे कि आप ये काम करें, तो एक प्रेशर भी था मेरे ऊपर कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और टचवुड इतना अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस की। कितना टाइम हो गया सर आपकी एकेडमी को? एकेडमी को ऑलमोस्ट मेरे को आज 12 साल हो गए। और आपकी सिटी की सबसे फेमस एकेडमी है आपकी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स जी। अपनी एकेडमी के बारे में बताइए सर कुछ। एकेडमी जब स्टार्ट करी थी तब मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, तो दिल्ली में एक हब है, म्यूजिशियन का भी हब है, राइट। तो वो हब से जब मैं इधर आया किशनगढ़, तो थोड़ा सा दिल्ली और किशनगढ़ में ऑफ कोर्स फर्क तो होना ही था। तो मुझको थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार शायद मैं इतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, या मैं इतना पिकअप नहीं कर पाऊंगा जितना काम मैं वहाँ करता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ सेलिब्रिटीज के साथ बजाता था। तो वहाँ से यहाँ आना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो उस दिन से लेके आज तक की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो बहुत ही अमेजिंग मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अमेजिंग रहा, जो चीज़ें मैंने दिल्ली में कवर अप नहीं करी उतना नाम मैंने यहाँ आके बनाया। और यहाँ मतलब हर कोई हर तीसरा पर्सन आपको जानता है कि अरे यार सरगम एकेडमी वाले सर है। और एक सर की उपाधि मेरे को मिल गई जो मेरे पास दिल्ली में नहीं थी। वहाँ मैं एक म्यूजिशियन था, वहाँ मैं मोइन एजाज था, यहाँ आने के बाद मैं सर बन गया। और वहाँ आज की डेट में मेरा सर नेम भी सर में कन्वर्ट हो गया, कि हर कोई सर सर सर। तो दैट्स व्हाई। तो ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि म्यूजिक एकेडमी एक स्किल बेस्ड हमारा एक हॉबी हम मान सकते हैं, बट उसी के अंदर एक बिजनेस आने काफी एक रेवोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली म्यूजिक एकेडमी में होता क्या है? म्यूजिक एकेडमी में होता क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो इसके लिए मैं बता सकता हूँ कि म्यूजिक एकेडमी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ आप अपना नाम भी बना सकते हैं और ऑफकोर्स पैसा भी बहुत कमा सकते हैं। यहाँ आपको हर चीज बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। कैसे होता है कि जैसा हम लोगों को लगता है
लेकिन अगर आप प्रॉपर अपनी एकेडमी को अगर बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, आप अच्छी फैकल्टी अपने पास रखेंगे, आप अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग सिखा रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स, तबला और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लोग सिखाते हैं, और वोकल, इसके सारे सेशन जो हमारे पास अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, उनकी अलग अलग बैचेस चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो मैंने ऑलमोस्ट अकेडमी में 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट एक एक मंथ में हम लोगों के पास रहते हैं यहाँ पे। तो एक अच्छा स्कोप निकल के आता है जिसकी वजह से हम लोग, मतलब अगर आपकी जो भी फीस है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण भी देता हूँ इसके रिगार्डिंग, कि अगर आप 1000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं तो 500 बच्चों के आपके लगभग 5 लाख के आसपास का आपका ये बजट, तो एक अच्छा रेवेन्यू निकल के आता है। तो आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत स्कोप है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से इसी बिजनेस में हूँ और जो भी कर रहा हूँ इसी बिजनेस से कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मुझे आपसे करना है, लाइक अभी भी इंडिया के अंदर मेंटेलिटी है कि अगर किसी भी पर्सन को लाइक स्पोर्ट्स हम माने या म्यूजिक हम माने तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो हॉबी तक ही रहे, और एक कोई भी बच्चा होता है फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी हॉबी को वो चूज करता है तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है कि इसको आप हॉबी तक रखो, ये कोई प्रोफेशन नहीं होता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो दो तरीके के बच्चे होते हैं, केवल पेरेंट्स लेके आते हैं जो हॉबी के लिए आते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो जो कुछ करना चाहते हैं उनको फेस तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे किसी भी फील्ड में, म्यूजिक में हो, चाहे आपको डॉक्टर भी बनना है, चाहे आपको कुछ भी करना है। सर इस चीज़ की, इसको हॉबी के लिए तो काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है कि हमारा बच्चा गिटार बजाता है, बट अगर वही बच्चा अगर पॉप स्टार या रॉक स्टार बनना चाहे तो ऑब्जेक्शन होते हैं कि ये नहीं कर सकते हो तुम। समय के साथ में काफी कुछ बदला है निशा मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी काफी कुछ बदलने वाला है, और मेरे पास ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं जिसमें मेरे ही जैसे मेरे जैसे काफी ऐसे लोग हैं। मेरे एक फ्रेंड है बहुत ही अच्छे, जयपुर से हैं वो, ठीक है ना, उनका नाम ओपन नहीं करूंगा, अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो आज की डेट में, और उनकी फैमिली में भी यही चीज थी, लेकिन वो उन्होंने भी देखो स्ट्रगल हर लाइफ काम में है, यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, आज स्ट्रगल करा और वो बॉलीवुड के अंदर अपना म्यूजिक दे चुके हैं, बॉलीवुड के अंदर अपने गाने दे चुके हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास में, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि करने वाले के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे, और आज की डेट में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है और पढ़ाई भी आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ये तो चीज ही ऐसी है कि आप आराम से अपना स्किल दिखा के और आप पूरी दुनिया में छा सकते हैं। इसके लिए स्किल होना जरूरी कि जो भी लाइक म्यूजिक के शौकीन हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के शौकीन हैं वो इस चीज को बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा पैदाइशी म्यूजिक नहीं सीखता है, आपको चीजें सीखनी पड़ती है। मैंने बोला मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी म्यूजिक में, लेकिन मैं क्लास 10th तक की अगर बात करूँ तो मैं कभी म्यूजिक के एम तक भी नहीं पहुंचा, संगीत के साथ तक भी मैं नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने विद इन 3 to 4 years ऐसा कर लिया कि मैं सेलेब के साथ में, सेलिब्रिटीज के साथ में शोज करने लग गया। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको आपको सही गुरु की, सही दिशा की, या मैं कहूँ सही एकेडमीज की, सही टीचर्स की अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत स्कोप है, कोई दिक्कत ही नहीं स्कोप में। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपना म्यूजिक एकेडमी शुरू करना चाहता है तो पहले तो रिक्वायरमेंट है कि उसमें म्यूजिक स्किल होनी चाहिए, उसको म्यूजिक आना चाहिए, और म्यूजिक के प्रति डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड, अगर कोई अपना म्यूजिक एकेडमी शुरू करना चाहता है, लाइक हमारी ऑडियंस है, उनका क्वेश्चन है कि अगर कोई म्यूजिक एकेडमी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए लोकेलिटी कैसी होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, वैसे आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ थोड़ा स्टूडेंट्स का हब हो। अगर ऐसी कोई जगह आपको मिलती है तो सबसे बेस्ट रहती है। जैसे मैं अपनी एकेडमी की अगर बात करूं तो मेरे एकेडमी के आसपास सारा मतलब स्टूडेंट्स का हब था, क्योंकि वहां पे आस पास में ही 2 तो स्कूल्स थे और जितने भी ट्यूशन जो बच्चे जाते थे मैक्सिमम वो उसी लोकेशन में थे, तो मेरा एकेडमी भी उसी लोकेशन में था। तो बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि अगर आप एकेडमी, जैसे बहुत सारे बच्चे एकेडमी से पढ़ने जाते थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ के आके एकेडमी से सीखते थे, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया। अगर ऐसी कोई लोकेशन आपके आसपास है तो वो सबसे बेस्ट तो है। तो स्टूडेंट जो है वो मेन हमारा इसमें क्लाइंट होता है, स्टूडेंट जो होता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल होता है। ठीक है। और अगर आप अच्छी क्लाइंटेंशन की बात, अच्छा क्लाइंट्स की बात करें आप, तो वो अच्छा क्लाइंट्स मेरे हिसाब से एक एज होती है उसकी, अगर आपके पास 6 से लेके 12 साल तक के अगर बच्चों का हब है तो वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वो एक लंबे समय तक आपके पास सीखते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस बात करूं,
तो वो एक ऐसा होता है 12 साल तक के पेरेंट्स भी फ्री रखते हैं उनको, ज्यादा लोड नहीं होता है पढ़ाई का, बहुत सारी चीजें नहीं होती है। उसके बाद में फिर बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है उसके बाद में बहुत सारा बर्डन आने लगता है। तो अगर 6 से 12 साल तक का बच्चे अगर आप अच्छे से उनको सिखाते हैं, उनको इस तरीके से उनके पेरेंट्स को अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके पास एक लंबे समय तक रहता है। जैसे मेरे पास 5-5, 6-6 साल तक एक ही बच्चा सीखा, मतलब 6 साल तक ही सीख रहा है वो बच्चा। उसकी छोड़ने की मजबूरी ये रही कि उसने कहीं बाहर एडमिशन ले लिया या ऐसा कुछ रहा, उसको किशनगढ़ की मतलब मेरे होम टाउन से बाहर जाना पड़ा, तभी वो छोड़ के गया मुझे। अदरवाइज जब तक वो किशनगढ़ में मेरे होम टाउन में रहा, हम लोगों के पास रहा, वो कैसे भी मैनेज करके सीखता रहा। ओके फाइन। तो लाइक अभी अपने पास में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या म्यूजिक ऑप्शन अवेलेबल है अकेडमी में? अकेडमी में अभी कीबोर्ड्स है, गिटार है, ड्रम्स है, तबला है, वोकल हमारा बहुत अच्छा चलता है, वोकल है हमारे पास में। इसके अलावा डांसिंग क्लास भी, डांस टीचर भी हमारे पास हैं, दो इंक्लूडेड। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इंक्लूडेड है, तो डांस क्लास भी चलती है। तो ये तो रेगुलर जो हमारा बेस है, बिल्कुल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ चीजें और भी एड ऑन होती है, जैसे जैसे समर वेकेशन आते हैं तो वेकेशन में आप लोग क्या डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है इन सब चीजों की, वो आप कह सकते हैं पीक टाइम होता है आपके पास में, उस टाइम आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो उस टाइम में आप ड्राइंग भी डाल सकते हैं अगर आपके पास प्लेस है उसके लिए, ठीक है ना। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस भी चलती है। अगर आपको और भी कुछ अच्छा करना है तो उस टाइम में आप कुछ कैंप भी अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा बजट को कम करके और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्या बूम करती है, आपके बिजनेस को बूम करती है, ज्यादा कनेक्टिविटी देती है। ओके, लाइक अगर हम म्यूजिक एकेडमी शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी टाइप का सर्टिफिकेशन या लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की हमें? ऑफ कोर्स होना चाहिए, अगर आपके पास इस टाइप का कुछ भी चीजें होती हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे मैंने संगीत विशारद किया, तो मेरे यहाँ से संगीत विशारद के कोर्सेज होते रहे, ट्रिनिटी के कोर्सेज होते रहे, तो ये सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू देते रहे। एंड उसके अलावा अगर बात करूँ तो कुछ टाइम जब मैंने एकेडमी चला ली, उसके बाद में एक फ्रेंचाइजी आई, इंडियन आइडल ने अपनी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में दी, राइट। तो वो फ्रेंचाइजी मैंने ली क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट था। तो आपको कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट आजमाते रहने चाहिए, अपने बिजनेस को नया करते रहना चाहिए, लोगों को आप नया कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो लाइक इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम गिटार की बात करते हैं, हमें गिटार चाहिए वहाँ पे, एटलीस्ट 10-12-20 गिटार हमें चाहिए, तो ये पूरा स्टॉक कहाँ से आता है? स्टॉक के लिए बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कुछ होलसेलर्स भी होते हैं, तो ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ से आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं बाय चांस, तो वो फ्रेंचाइजी ही आपको ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराती है एक अच्छी रेंज पे, और एक क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा गिटार किस बच्चे के लिए किस एज के लिए चाहिए होता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए कि आप वहाँ से सारी चीज़ें, अगर आप कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाता है। तो लाइक अगर हम म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग किन किन चीज़ों में होता है, बेसिक हमारे टूल्स क्या क्या होते हैं कि ये चीज़ें एक म्यूजिक एकेडमी में होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज़ तो एटमोसफेयर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब एंटर कर रहा है वहाँ पे या कोई भी पर्सन, देखो म्यूजिक एकेडमी एक नॉर्मल एकेडमी नहीं होती है, वो स्पेशल एक टाइम होता है सबका जो हर कोई अच्छा समय बिताना वहाँ चाहता है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि आपका एंट्रेंस जैसे ही होना, वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि अरे यार कहाँ आ गया यार, ये तो बहुत ही अच्छी प्लेस है, मतलब अंदर आते ही आदमी को आनंद आ जाए, एक संगीत में अनुभूति हो जाए उसको, राइट। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि आप उसको कैसे डेकोर करते हैं, आप डेकोरेशन कैसे करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिर आपका ऑफिस, ऑफिस में आप क्या किस तरीके से आप लोगों को मैनेज कर रहे हैं, है ना, उसके म्यूजिकल कैसा आपको फील करा सकते हैं सामने वाले को। अगर कोई सामने आपके पास आके बैठ रहा है तो आपका आसपास ऐसा क्या चीजें होनी चाहिए, आपकी कुछ ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई स्पेशलिटी जो आपके अंदर हो, वो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करे कि यार ये चीज तो सर बहुत ही अच्छी बजाते हैं, मैम ये चीज बहुत अच्छा करते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर बाय चांस कभी आपको बजाना ही पड़ जाए तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए वहाँ पे। तो दो चीज तो ये है। इसके अलावा सबसे बेसिक चीजें होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज होती है वो कीबोर्ड होते हैं, क्योंकि कीबोर्ड्स आपको, अब आप डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े रेंज पे खोलना चाह रहे हैं, राइट। तो आप चाहे 10 से कर सकते हैं स्टार्ट, 15 से कर सकते हैं, चाहे 5 से कर सकते हैं, वो आपके स्पेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने बच्चे एक टाइम में एक बैच में लेना चाहते हैं। तो ये है, ऐसे ही गिटार है, गिटार में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसमें भी सेम है कि आप एक टाइम में कितने बैचेस लेना चाहते हैं।
मतलब एक टाइम में एक बैच में कितने बच्चों को आप लोग लेना चाहते हैं, 10 सिखाना चाहते हैं या 12 सिखाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको गिटार परचेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा तबले की क्लासेस आप मल्टीपल ले सकते हैं, तो ढोलक की आप मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, मतलब एक टाइम में 5-10 ढोलक वाले बच्चों को आप सिखा सकते हैं, वो डिपेंड करता है सारी चीजें। एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छा लेते हैं तो ड्रम, अगर आपके ड्रम क्लासेस है तो आपको उसके लिए एक स्पेशल जगह भी देनी पड़ेगी, एक रूम, क्योंकि बहुत शोर करता है, तो आपको हो सकता है साउंड प्रूफ करना पड़े उस प्लेस को, या अगर नहीं भी करते तो एक रूम स्पेशली उसके लिए जहाँ वो उसको बंद करके हम लोग सिखा सके। और क्योंकि ड्रम्स, अगर अच्छे ड्रम्स की बात करें तो 60-70,000 से स्टार्ट होते हैं, तो वो आप लेना चाहेंगे, या एक बेसिक ड्रम होता है जो 15-20,000 से स्टार्ट होना चाहता है वो आप लेना चाहेंगे, तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई जैसे इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहा है तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग कितना हो सकता है उसका? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है आप 3 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप उसी को 13 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन, आपका प्लेस और उसके अकॉर्डिंग कितने किस लेवल पे आप स्टार्ट करना, वो डिपेंड टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 3-4 लाख मान लेते हैं, कि अगर शुरू करना चाहता है तो कर सकता है, आराम से कर सकता है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं कि हम कितना अर्न कर सकते हैं इससे, अगर हम एक म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं तो कितना अर्न कर सकते हैं इससे? कितना अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल, अर्न की तो देखिए बहुत ही ज्यादा, अब आपके सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना बड़ा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे सेटअप में मतलब एक मंथ में जैसे 500 बच्चे सीख रहे हैं एक दिन के अंदर, है ना, 500 स्टूडेंट्स मेरे पास सीख रहे हैं, जिसमें टाइमिंग सबका अलग अलग है, वो एक टाइम में नहीं होता है। जैसे मेरे पास सेटअप में जैसे 20 कीबोर्ड्स लगे हैं, है ना, सिंगिंग में मेरे पास में 25-30-40-50 बच्चे भी सीखते हैं, तो स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना अवेलेबल है, आप कितने स्टूडेंट्स को एक साथ सिखा सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर एक बैच में अगर हम 10 बच्चों की बात करते हैं कि एक बैच में 10 बच्चे और एक अकेडमी में 4 क्लासेस, राइट, तो 40 बच्चे एक आवर, अगर आप 4 घंटे भी करते हैं इसको तो देख लीजिए 40 × 2, राइट, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके फुटफॉल कितना है स्टूडेंट्स का। अगर आप 100 बच्चे भी लेते हैं, अगर आप 100 बच्चों का भी टारगेट लगाते हैं तो भी आप मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए का बिजनेस तो कर ही कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। और बाकी डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, मार्केटिंग बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो होपफुली काफी सारी चीजें हमें समझ आई है कि अगर हम म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। सर, अब हम आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो कोई भी अगर पर्सन म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट कर रहा है तो वो ये गलतियां ना करें। बिल्कुल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गलती ना करें। गलती देखिए हमेशा होने वाली है, हर किसी से होती है, और हमने बहुत सारी गलती करके हम यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे, तो गलती तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बिजनेस जो है ना वो मेनली क्या है, स्टूडेंट्स का बिजनेस है, बच्चों का बिजनेस है, राइट। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको कभी भी हाइपर नहीं होना है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि बहुत जल्दी यू नो रूठ जाते हैं, मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, right। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत ही कूल एंड काम टीचर बनना है वहाँ पे। आप स्कूल के टीचर नहीं है, आप म्यूजिक टीचर हैं, okay। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, आपको कैसे नहीं आया, ये नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके से उनको सिखा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्यार से कितना सिखा सकते हैं उनको, कितने अच्छे से आप उनको एक्सप्लेन करें, उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं वहां जाके सीखना है। तो बच्चों के साथ में आपको कभी भी बहुत ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। फैसिलिटीज, आप अगर कोई अच्छा टीचर नहीं है और उसके पास फैसिलिटीज अच्छी है, राइट, तो काफी बार पेरेंट्स वहां भी मूव कर जाते हैं। तो आप अपनी फैसिलिटीज को अच्छा बनाएं, अच्छा इन द सेंस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका आपका जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट आपके पास आ रहा है और जा रहा है, ठीक है ना, उसका जो टेक केयर होता है पूरा ओवरऑल एंट्रेंस से लेके और जाने तक का जो भी टेक केयर है वो आपके हाथ में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करिए कुछ फीमेल म्यूजिक टीचर आपको मिले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फीमेल्स का, गर्ल्स का बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है म्यूजिक के साथ में, वो बहुत ज्यादा सीखते हैं,
तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके एकेडमी के लिए, आपके बिजनेस के लिए। अगर आपके पास कोई फीमेल म्यूजिक टीचर है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चों का भी, वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो ये एक चीज है कि आप इसको भी कर सकते हैं। और अगर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलतियों की अगर बात चल रही है तो गलती जो ना करें वो ये है कि आप म्यूजिक के साथ ऑनेस्ट रहें हमेशा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम बिजनेस में इतना डूब जाते हैं कि म्यूजिक के साथ ही ऑनेस्ट नहीं रह पाते। तो वो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी करिए नहीं करिए, आप म्यूजिक के साथ ऑनेस्ट रहिए अपने। अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, आप अगर उसके साथ में सच में ही आपका लगाव है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीजों का आप थोड़ा ख्याल रखेंगे तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है, आपके सामने रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो होपफुली हमको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम अपना म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से आप अपना एकेडमी शुरू करेंगे तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए जो अपना म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।